नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। पीएम ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का किया आभार व्यक्त। लोगों के स्नेह से मिलती है और मेहनत करने की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण पर रहा फोकस। बांटे गए 27 करोड़ मुद्रा लोन। शरद पवार ने विपक्ष के बहिष्कार का किया समर्थन। बोले, नई संसद के बारे में हमसे पूछा तक नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की सराहना। बोली, अपने सेवा भाव से प्रधानमंत्री बने लोकप्रिय नेता। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन को देश को समर्पित किया। नए भवन के इस उद्घाटन मौके पर संसद के दोनों ही सदनों के सदस्यों के साथ ही देश की प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने भवन के निर्माण में लगे श्रमजीवियों को सम्मानित किया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान भवन के अंदर उन्होंने सेंगोल स्थापित किया। ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में स्थापित किया गया है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। एक दिन पहले तमिलनाडु के अधिनम ने सेंगोल को प्रधानमंत्री को सौंपा था। यूपी के कौशाम्बी जिले में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने मंच से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस अब आजम खां की भैंस को पकड़ने का काम नहीं करती, बल्कि अतीक को गोली मारने का काम करती है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये सत्य है कि कभी आजम खां की भैंस ढूंढने वाली पुलिस अब गुंडों का सफाया कर रही है। अशरफ की हत्या के बाद जनता को सुकून मिला है। आजम खान की भैंस ढूंढने वाली पुलिस जो है अब तो गुंडों का सफाया कर रही है। अभी समाजवादी की सरकार होती तो क्या आपको लगता है कि उमेशपाल हत्याकांड का बदला ले पाती पुलिस? क्योंकि तीनों आरोपी जो है वो पुलिस के नहीं थे जो मारे गए। कौन पुलिस के नहीं थे? जो तीनों आरोपी वो उसकी जांच चल रही है, सामने आएगा। लेकिन इससे जनता को बहुत सुकून मिला है। माफिया राज उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात। प्रयागराज में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हादसे में 2 महिला एक युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों की मदद से ट्रॉली के अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस और घायलों को कोराव CHC में इलाज कर शहर के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार कई अन्य लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। इस घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज पे ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में वही 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बता दें कि जिन 3 लोगों की मौत हुई है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गंभीर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है और हादसे से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुछ लोग घायल भी हुए हैं। वहीं घायलों का लगातार इलाज जारी है और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें, इस पूरे घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लगातार सड़क हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं ये बड़ी घटना हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ हमसे जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला कोराव थाना क्षेत्र के बरौला दादापुर गांव का है, जहां पर 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्रथम उपचार के लिए सीएचसी कोराऊं लाया गया, जहां गंभीर स्थिति होने पर शहर के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रैक्टर होने से पलट गई है, जहां पर ये घटना घट चुकी है। जी धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर शादी का झांसा देकर फिरोजाबाद का युवक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़ित युवती शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची, लेकिन तीन दिन से थाने के चक्कर लगाने के बाद भी मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित युवती का आरोप है कि शादी के लिए बोलकर किसी और से शादी कर ली। कार्रवाई ना होने पर युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। ये पूरा मामला अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर के भुजपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मैं इस मामले की शिकायत लेके आई हूँ कि लगभग 4-5 साल से एक लड़के के साथ मेरा रिलेशन में है, वो लड़का जिससे रिलेशन था। तो इस मामले की जांच लेके आई हूँ कि उसने शादी के मुझसे वादे किए, शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। ठीक है, बात ये फैमिली को पता लगी तो फैमिली वाले लोगों में बात हुई, लड़के के फैमिली में और मेरे फैमिली में। तो हुआ ये मसला कि फैमिली तक पहुंचने के बाद में फैमिली वाले एग्री भी हो गए। पहले तो उनकी डिमांड रही कि 10-15 लाख की शादी हो, फिर उसके बाद वो एग्री हो भी गए। तो होने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे से चीटिंग की, और चीटिंग ये की कि मेरे से कहा उन्होंने, मेरे घर वालों से, कि हाँ भाई ठीक है 10-12 दिन में हम तुमसे तुम्हारे लड़के के साथ निकाह कर लेंगे। और लड़के का निकाह 8 दिन के अंदर कहीं और करा दिया गया। हरदोई में पत्नी को विदा कराने ससुराल गए उसके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का शव गांव के बाहर पेड़ से जमीन तक लटका हुआ मिला, जिससे फांसी लगाने की बात आसानी से लोगों के गले नहीं उतर रही है। शरीर पर चोटों के निशान उसकी पिटाई करने की तरफ इशारा कर रहे थे। पिता ने ससुर साले और साड़ू के ऊपर 60,000 की नकदी छीन कर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। औरैया खेतों की रखवाली करने जा रहे किसान को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना औरैया बिधुना कोतवाली के बेला बिधुना मार्ग के कमलपुर के पास की है। वही पुलिस ने ट्रक को हिरासत में ले लिया है। नाम है? हमारा नाम गुरुदयाल बाबा जी। कहाँ के निवासी हैं? लुखा दौरा। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है क्या रहा है? गणेश राजपूत। कैसे हुआ? वो अपने घर से खेत की तरफ जा रहे थे जानवर वगैरह रखाने के लिए, तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हुआ। एक जम्पर आया और टक्कर मार दी। एक्सपायर हो गए? एक्सपायर। कितनी उम्र होगी? लगभग 30। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम लुखा दौरा। एक्सीडेंट का मामला सामने आ रहा, क्या है सर बड़ा मामला? आज रात्रि लगभग 9:30 बजे एक 35 वर्षीय युवक जो कमलपुर नहर से बेला की तरफ अपने गांव जा रहा था, इसमें एक ट्रक जो बिधुना से बेला की तरफ जा रहा था उससे एक्सीडेंट हो गया। उस व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वाहन को कब्जे में ले लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।